25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 होने वाले हैं मतदान। आपको बता दें, प्रदेश भर में कल होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन की ओर से मतदान दलों को चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए, बूथों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम कर लिया गया है। आज से पूरे प्रदेश के विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने के लिए मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिला मुख्यालय पर मतदान दल प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि पूरी 199 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 51,507 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। देखते हैं कुछ खास तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। 10 तस्वीरें हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, सिरोही, सुमेरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, सवाई माधोपुर और सलूमर की तस्वीरें हैं। ये आज की तस्वीरें हैं जब पोलिंग पार्टियों को अपने अपने बूथ को संभालने की जिम्मेदारी दी गई, अंतिम ट्रेनिंग यहां पर दी गई और उसके बाद इनको रवाना किया गया। तो तमाम तैयारियां निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी कर ली गई है। कल प्रदेश की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली है और उसी को लेकर बड़े इंतजाम किए गए हैं और आज इन इंतजामों को अंतिम अमलीजामा पहनाया गया। अंतिम ट्रेनिंग दी गई, तीसरे चरण की ट्रेनिंग यहां पर सभी बूथ के पोलिंग कर्मचारियों को दी गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जितेंद्र डूडी जोधपुर से, धीरज रावल उदयपुर से, किशन सेन बांसवाड़ा और नवीन वैष्णव अजमेर से जुड़े हैं। आप जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज पोलिंग जो पार्टियां हैं उनको रवानगी की गई, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली? बिल्कुल सौरभ, बता दूं कि आज तमाम जो जोधपुर जिले की 10 विधानसभा है, उन विधानसभाओं में पोलिंग पार्टियों को सुबह से रवाना कर दिया गया। तमाम पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी है। जो दूर दराज की पोलिंग जो स्टेशन है जैसे फलोदी और लाउड, वहां अभी ऑन द वे चल रही है। अगर बात करूँ मैं 10 जिले की, तो 10 जिले की 10 विधानसभा सीटों पर तकरीबन 27,35,688 मतदाता इन 10 विधानसभाओं में, और यहाँ पर सबसे अधिक जो मतदाता की बात करें तो जो लूणी विधानसभा क्षेत्र में है, जहाँ पर 3,33,000 मतदाता वहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और सबसे कम मतदाताओं की बात करूँ तो वो है जोधपुर के शहर विधानसभा सीट पर, जहाँ 1,99,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर बात करें पोलिंग पार्टियों की, तो सुबह से ही उनको ईवीएम मशीन और तमाम वो सामग्री देकर यहाँ से रवाना किया गया। यहाँ से जब रवानगी की गई, उन्हें जो पोलिंग पार्टी के दल हैं उनको तमाम जानकारी और सब कुछ बताया गया कि किस तरीके से आपको वहाँ काम करना है, कैसे पोलिंग स्टेशन पर पहुँचने के बाद आप क्या क्या चीजें चस्पा करोगे, किस तरीके से आप जो प्रत्याशी और उनके जो लोग हैं उनको कहाँ तक एंट्री देंगे, ये तमाम जानकारी इनको दी गई। ये पोलिंग पार्टियां वहां पहुंचकर कल सुबह तकरीबन 6 बजे से जो है 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, तो 6 बजे से तमाम प्रक्रियाएं वहां शुरू कर दी जाएगी। जी सौरभ, ठीक। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली किशन? देखिए सौरभ, बांसवाड़ा की अगर बात करते हैं तो तमाम दो पोलिंग पार्टी है उनको तीनों चरणों की यहाँ पर जो प्रशिक्षण देने के बाद केंद्र में यहाँ पर जो निर्वाचन अधिकारी है, पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह है, तमाम यहाँ पर कहा जा सकता है कि अधिकारी है, वो अलर्ट मोड के ऊपर में है। और बांसवाड़ा जिले के अंदर में अगर बात करें तो करीब 13 लाख से ज्यादा यहाँ पर मतदाता है। कल यही मतदाता है अपना मतदान का प्रयोग करेंगे, एक अच्छी सरकार बनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए बांसवाड़ा के अंदर में, करीब बांसवाड़ा के अंदर में अगर बात करते हैं तो करीब 1300 से ज्यादा यहाँ पर बूथ है, जिसके अंदर में 692 ऐसे बूथ है जहां पर सीसीटीवी कैमरे से लेस है। खास अगर बात करें बांसवाड़ा जिले की, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर में 5 विधानसभा और 5 विधानसभा में अगर महिला वोटरों की अगर बात करते हैं सौरभ, तो महिला वोटर अगर बात करें तो महिला वोटर यहां पर 6,85,452 है, वही पुरुष अगर मतदाता की बात करते हैं तो 6,95,867 यहां पर मतदाता है। कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के इस पूर्व के अंदर में तमाम जो अधिकारी है वो अपनी यहां पर अहम रुचि निभा रहे हैं, ताकि बांसवाड़ा के अंदर में निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। बात करें अगर बांसवाड़ा जिले की, तो 5 विधानसभा के अंदर में कहा जा सकता है कि बागी दौरा से जो कैबिनेट मंत्री महेंद्र जी
सिंह मालवीय है वो सुबह 7 बजे यानी भवानपुरा से अपना मतदान करेंगे। दूसरी अगर बात करते हैं टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनी है वो उनके गांव मलवासा से सुबह 7 बजे मतदान करेंगे। और पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत की अगर बात करते हैं और भीमाबाई की बात करते हैं तो भीमाबाई कुशलगढ़ से करेंगे और धन सिंह रावत यानी कहा जा सकता है कि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से करेंगे। तमाम जो जाप्ता है वो यहाँ पर पूरी तैनाती पी के अंदर में था कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हो, यानी कहा जा सकता है कि निर्वाचन अधिकारी यहाँ पे प्रशिक्षण दल को यानी कहा जा सकता है जो पोलिंग बूथ के जो कार्मिक थे उनको सबसे पहले निर्देश दिया गया है, संदेश दिया गया है कि चुनाव को अपना चुनाव मानकर इसको निष्पक्ष चुनाव करा जाए किसी भी प्रकार की कोई। तो तैयारी पूरी है और कल जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली है। आप हमारे साथ किशन जुड़े रहिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ अजमेर से हमारे संवाददाता नवीन वैष्णव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, अजमेर में आप मौजूद हैं, आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया, किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आई और निर्वाचन विभाग की क्या कुछ तैयारियां सुरक्षा को लेकर? जी सौरभ, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज जो तृतीय और अंतिम जो प्रशिक्षण है वह देने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी जो डॉक्टर भारती दीक्षित है उनकी मौजूदगी में और उनकी मॉनिटरिंग के बाद इन सभी जो पोलिंग पार्टीज है इनको रवाना किया गया। हालांकि अभी कुछ पोलिंग पार्टी अभी बाकी है जिन्हें देर शाम तक रवाना किया जा रहा है। आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर दक्षिण में जहाँ 2,08,000 वोटर्स है वहीं दक्षिण में 2,10,000 वोटर है। अजमेर जिले की कुल 8 विधानसभाओं पर ये कल मतदान होगा और इस बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत काफ़ी अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। और जो निर्वाचन विभाग की टीम है उनका ये दावा है कि पिछले जो चुनाव था उसकी तुलना में इस बार मतदाताओं को अधिक जागरूक किया गया। वही इस बार जो नव मतदाता है उनके नाम भी काफ़ी संख्या में ऐड किए गए और इसकी बदौलत ये माना जा रहा है कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है वह काफ़ी बढ़ेगा। पोलिंग पार्टियों को जो रवाना किया गया इससे पहले उन्हें जो डायरेक्शन दिए गए उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि जो आदर्श बूथ है चाहे महिला बूथ है चाहे युवा बूथ है इन पर विशेष तरह की तैयारियां करनी होगी और जो दिव्यांग बूथ है उस पर दिव्यांगों को किस तरीके से मतदान करवाना है और उन्हें किस तरीके से अपने घरों से लाना है इसके लिए वाहन भी अधिग्रहित कर लिए गए थे और कल निर्धारित समय पर वाहनों को खड़ा करके और उन्हें घरों से लाने का डायरेक्शन भी दिए गए। जी सौरभ, बिल्कुल, इस बार नए नवाचार देखने को मिल रहे हैं। निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तो करी है, कई नवाचार भी किए हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता उदयपुर से धीरज रावल जुड़े हुए हैं। धीरज, किस तरह की तस्वीरें आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है और दूर दराज क्षेत्रों में जो पोलिंग पार्टी जाएगी उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था और सुरक्षा की गई है? जी बिल्कुल, लोकतंत्र के उत्सव के अंदर यहाँ पर तैयारियां जो है वो उदयपुर में पूरी कर दी गई है। यहाँ 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं। आज सुबह से ही जो पोलिंग पार्टियां उनका प्रशिक्षण जो है वो सुबह 7 बजे से यहाँ पर शुरू होता है। दूर दराज के इलाके जैसे अगर बात की जाए तो खैरवाड़ा हो गया, कोटड़ा हो गया, जाड़ोल हो गया और गोगुंदा क्षेत्र के दूर दराज जो इलाके ग्रामीण जो इलाके उनका जो प्रशिक्षण है वो यहाँ पर सुबह रखा गया था सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। 10 बजे उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया। वहीं आसपास के जो विधानसभा के पोलिंग बूथ पर जाने वाली पोलिंग मतदाता जो टीमें हैं उनको लेकर के यहाँ पे इसके बाद जहाँ प्रशिक्षण दिया गया जो अब आप यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अगर उदयपुर जिले की अगर बात की जाए तो 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर करीब 21,85,000 के समथिंग जो वोटर है वो यहाँ पर है, जिसके अंदर पुरुषों की अगर बात की जाए तो 11,11,111 जो पुरुष मतदाता है वही 10,75,000 से अधिक जो है वो महिला यहाँ पे मतदाता है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। वहीं इस लोकतंत्र के उत्सव के अंदर कल होने जा रहे मतदान जो है उसको लेकर लोगों में भी काफी उत्साह है। वही उदयपुर जिला कलेक्टर और निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी है अरविंद पोस्टवाल उनके द्वारा तमाम जो है नवाचार है उनको लेकर के यहाँ पे पहल जो है की जा रही है। सुबह से ही सड़कों पर अगर बात की जाए तो अधिक से अधिक मतदान दिया जाए उसको लेकर के अलग अलग रूपों के अंदर यहाँ पर लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो व्यवस्था है वो उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर पूरी कर दी गई है। लोगों के अंदर काफी उत्साह है और अधिक से अधिक वोट डालने की यहाँ पर अपील की जा रही है। बिल्कुल, नए नवाचार भी हो रहे हैं इस बार और पूरी पुख्ता तैयारियों के साथ निर्वाचन विभाग ने इस मतदान को पूरी करने की तैयारी की है। फिलहाल दर्शकों को लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, नवाचारों की बात आ रही है सामने, नवाचार किए गए हैं निर्वाचन विभाग ने, कई नई चीज़ें कई प्रयोग किए हैं इस बार, उन प्रयोगों के बारे में पहले तो मैं जानना चाहूँगा और दूसरी बात जो पोलिंग पार्टियाँ अपने बूथ पर पहुँचेंगी ऐसे में कोई समस्या उनको फेस करनी पड़ती है तो उसकी क्या कुछ व्यवस्था है?
देखिए सौरभ, पहले नवाचार की आपने बात की, तो नवाचार की मैं बात बता दूं कि जोधपुर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से एक तो पिंक बूथ बनाए गए 80, जहां पे सिर्फ महिला कर्मचारी मतदान करवाएगी। पिंक बूथ इस बार नया बनाया गया, आदर्श बूथ बनते आए हैं, पिछले चुनाव में भी बने थे, इस बार पिंक बूथ नया है। दूसरा नवाचार ये है कि 80 बूथ जो है दिव्यांगजन चलाएंगे, यानी 80 बूथ दिव्यांगजन वहां पे मतदान कराएंगे, ये भी एक नवाचार किया गया है। तो नवाचार जिला निर्वाचन और निर्वाचन विभाग करता है, और इस बार भी नया नवाचार हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात, अगर जो पोलिंग पार्टियों की बताई कही आपने कि पोलिंग पार्टियों की कोई असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या किया गया, तो देखिए जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी तरीके से जो है किसी प्रकार की समस्या ना आए उसको लेकर के तमाम पोलिंग पार्टियों को पहले ही जब वो ट्रेनिंग के दौरान आए थे उसी समय सब कुछ दिया गया। साथ ही जो वाहनों की व्यवस्था की गई है, वाहन के लेकर खाने पीने की व्यवस्था, वही देर रात अगर वहाँ जो दूर दराज के गांव है डाणी है, क्योंकि कई ऐसे बूथ है जो डाणियों में बने हुए हैं, तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती, तो वहाँ पे सौर ऊर्जा के माध्यम से लाइटों की व्यवस्था की गई, ताकि देर रात तक जो पोलिंग पार्टी पहुंचेगी अपनी व्यवस्था करेगी तो वो भी आसानी से हो सके। कई बार देखा जाता है कि प्रत्याशी के लोग हैं वो पोलिंग दलों के पास जाते हैं तो उससे दूर रखा गया, क्योंकि इस बार जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर अलर्ट है। साथ ही पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के नेतृत्व में पुलिस के तमाम कर्मचारी और आला अधिकारी इस तमाम बूथों पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है वो पूरे बूथों को लगातार किए जाएंगे। साथ ही बिल्कुल किशन, एक व्यवस्था भी बनाई गई है और मॉनिटरिंग भी पूरी की जा रही है, और उम्मीद यही है कि जिस तरह के उद्देश्य के साथ निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारी की है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से और सही तरीके से मतदान हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, वो चीज़ देखने को मिलेगी। फिलहाल दर्शकों को लिए चलते बांसवाड़ा, हमारे संवाददाता किशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशन, बात चल रही है नवाचारों की, अगर बांसवाड़ा की बात करें, क्योंकि नवाचार इस बार कई हुए हैं, महिला बूथ हो, चाहे दिव्यांगजनों के लिए बूथ हो और उस तरह की व्यवस्थाएं, बांसवाड़ा में क्या कुछ तस्वीर है? देखिए सौरभ, बांसवाड़ा की अगर नवाचार की अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा केंद्र में ऐसी 5 विधानसभा सीट है, तो एक विधानसभा केंद्र में ऐसे 5 बूथ बनाए गए जिन पर टोटल कर्मचारी महिला हो गए। दूसरी अगर बात करते हैं तो निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इस बार एक बूथ ऐसा भी बनाया गया है जहां पर दिव्यांग कर्मचारी होंगे। तीसरी अगर और बात एक और करते हैं तो यहां पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उनके लिए भी एक नवाचार यहां पर किया गया, यानी पूरी बूथ की जिम्मेदारी है वो यहां पर दी गई है। नवाचार की आपने पूरी बात आपने सुनी होगी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि उन बूथों की, यानी कहा जा सकता है कि अब कर बांसवाड़ा केंद्र में जो बूथों की जो स्थिति है वो लगभग यानी कहा जा सकता है कि ऑन रोड पर है, या फिर किसी भी प्रकार की इन जाने वाले पोलिंग जो कर्मचारी है उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो उसके लिए यहां पर है। पहले से एक महीने से यहां पर है वो लगातार गांव के अंदर में जिस प्रकार की जो स्कूलें होती है जिनको बूथ बनाया गया उन पर लगातार यहां पर उनकी निगरानी की जा रही थी कि कहीं यहां पर पोलिंग बूथ पार्टी के अंदर में जो कर्मचारी आएंगे उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रकार की गतिविधियों पर हमने कहा जा सकता है कि बांसवाड़ा के जो प्रशासन है इस पर पहले ही अपना सख्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा का पात्र बनने के लिए।